दोस्तों आजकल के लोग अपनी बातों को जाहिर करने के लिए मैसेजेस में वर्ड्स से ज्यादा इमोजीज का यूज करने लग गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप में से अक्सर लोग भी आजकल अपनी बातों को जाहिर करने के लिए या फिर अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने के लिए अक्सर इमोजीज के यूज किए होंगे। मगर क्या आपको मालूम है कि इस दुनिया में सबसे पहला इमोजी लेकर किसने आया, या फिर ये कह लो कि पहला इमोजी किसने बनाया होगा। अगर आपको मालूम है ये इन्फॉर्मेशन तो सही, अगर नहीं मालूम है तो बने रहिए मेरे वीडियो में, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों दरअसल बात है 1998 की। जी हाँ, जापान में रहने वाले एक शख्स जिनका नाम था शिगेटाका कोरिता। दरअसल दोस्तों शिगेटाका कोरिता जापान में एक टेलीकॉम कंपनी में काम किया करते थे, और उस टेलीकॉम कंपनी में एक मेलिंग प्रोसेस हुआ करती थी जिसमें आप कस्टमर्स को सिर्फ 250 वर्ड से ज्यादा मेल नहीं लिख सकते थे। वो मेलिंग प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ 250 वर्ड तक ही सीमित था, जो कि कई कबार बहुत कम पड़ जाया करता था। तो ऐसे में शिगेटाका कोरिता को एक आइडिया आती है। वो ये सोचते हैं कि क्यों ना कुछ ऐसे इमेजेस को यूज किया जाए जिसमें अपनी बातों को एक छोटी सी तस्वीर के जरिए या फिर कम वर्ड में लोगों तक पहुंचाया जा सके। और अपने 25 साल की उम्र में शिगेटाका कोरिता ने ईयर 1999 में अपने 176 इमोजीज का सेट बनाया। और दोस्तों बात तो यह है कि आजकल हम जो इमोजीज यूज करते हैं वो इमोजीज एक्चुअल HD होती है, और उस वक्त जब ये इमोजीज बनाया गया था तो वो कुछ इस तरीके से डॉटेड हुआ करती थी। तो दोस्तों दरअसल ये है वो 176 इमोजीज जो शिगेटाका कोरिता ने ईयर 1999 में खुद से बनाए थे, जिससे कि सामने वाले को कम वर्ड्स में या फिर एक तस्वीर के थ्रू ही अपनी बातों को जाहिर किया जा सके। और उस वक्त ये इमोजीज इतने पॉपुलर हुए थे कि इनको न्यूयॉर्क के म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट के रूप में भी रखा गया था। दरअसल शिगेटाका कोरिता ने ये इमोजीज बनाने का आइडिया कॉमिक्स बुक से बल्ब और टिकलिंग बॉम्ब से लिए थे। और दोस्तों कौन से इमोजीज बनेंगे और कौन से इमोजीज को अप्रूवल मिलेगा ये डिसाइड करता है यूनिकोड स्टैंडर्ड। और हाँ दोस्तों, यूनिकोड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अब तक 3304 इमोजीज बन जा चुके हैं, जिनमें से हम सिर्फ कुछ इमोजीज को ही जानते हैं, जैसे क्राइंग फेस, हैप्पी फेस, स्माइली फेस। और दोस्तों एक सर्वे के अकॉर्डिंग तो ये भी पता किया गया है कि फेसबुक के मैसेंजर में आज डेली बेसिस पे लोग 5 बिलियन से भी ज़्यादा इमोजीज को यूज करते हैं। और इमोजी वर्ड का क्रेज किस तरीके से लोगों के जबान पर चढ़ा, इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने भी 2013 में अपने शब्दकोश में इस इमोजी वर्ड को शामिल किया, और 2015 आते आते तक में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इस इमोजी वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर के नाम से भी घोषित की। दोस्तों ये सब बात तो हो गई जापान की, चलिए अब बात करते हैं कि जापान से इन इमोजीज को पूरे वर्ल्ड में किसने फैलाया। दोस्तों दरअसल 2007 में एप्पल कंपनी ने, यानी कि आईफोन ने अपने कीबोर्ड्स में इमोजीज को यूज किया था, जिसमें कि एप्पल यूजर्स अपने फेसबुक, व्हाट्सएप और नॉर्मल मैसेजेस में इमोजीज का यूज कर सकते थे। और दोस्तों आप उस वक्त के बाद के एवोल्यूशन देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे। दरअसल पहले की इमोजीज जो है वो डॉटेड हुआ करती थी, और अब हम जो इमोजीज यूज करते हैं वो HD होती है, यानी कि हाई डेफिनेशन वाली इमोजीज होती है। तो दोस्तों आप जो ये 3-4 सीरीज देख रहे हैं, दरअसल यही एवोल्यूशन है इमोजीज का। और ये सबसे लास्ट वाला जो है ये आज हम लोग यूज क्या करते हैं, HD वाले इमोजीज। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं इमोजीपीडिया की, कि इमोजीपीडिया है क्या। दोस्तों दरअसल इमोजीपीडिया एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे हम इमोजीज का सही इस्तेमाल जान सकते हैं कि कौन सा इमोजी किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और इमोजीपीडिया के फाउंडर है जेरेमी बर्ग। दोस्तों दरअसल जेरेमी बर्ग के अकॉर्डिंग 17 जुलाई को वर्ल्ड इमोजी डे घोषित किया गया था, और पहला इमोजी डे वर्ष 2014 में मनाया गया था, और 2014 से लेकर अब तक 17 जुलाई को वर्ल्ड इमोजी डे के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इमोजीज तो हमने बहुत यूज किए थे, मगर क्या इमोजीज से जुड़ा ये इन्फॉर्मेशन इससे पहले आप लोगों को मालूम थी? अगर मालूम थी तो सही है, अगर नहीं मालूम थी तो मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे अमेजिंग वीडियोज के लिए मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।